राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का बड़ा बयान आया है। अरुण यादव का कहना है कि ये असत्य पर सत्य की विजय है, राहुल गांधी देश की आवाज है। फासीवादी ताकतों ने आवाज दबाने की बहुत कोशिश की। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र के भोइंदा में अरुण यादव आज पूर्व मंत्री सचिन यादव की अगुवाई में 6 दिवसीय 92 किलोमीटर की आस्था यात्रा धार्मिक यात्रा के समापन पर पैदल पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अरुण यादव ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान, भारत माता के खिलाफ बोलने वालों की जान लेने में संकोच नहीं करेंगे पर कटाक्ष किया। अरुण यादव का कहना था कि ये वही लोग हैं जिनका इतिहास आपको मालूम है, जब देश आजाद हो रहा था तब ये कहाँ थे। इधर कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार द्वारा आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री यादव का मानना था कि अभी कमलनाथ के नेतृत्व में हमने सरकार बनाने का संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, ये असत्य पर सत्य की विजय है। राहुल गांधी देश की आवाज है और उनकी आवाज़ को देश की फासिस्टवादी ताकतों ने दबाने की संपूर्ण कोशिश की। जो कोर्ट का निर्णय आया है, उसका सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसका हम सम्मान करते हैं और राहुल जी के नेतृत्व में ये संघर्ष, देश का संघर्ष, देश की युवाओं का संघर्ष, देश के आम जनता का संघर्ष हम आगे करते रहेंगे। भैया, कैलाश विजयवर्गीय का बयान है कि भारत माता के विपक्ष में बोलने वालों की जान से मारने में भी संकोच नहीं करेंगे, ये मैंने कहा कि ये वही लोग हैं जिनका इतिहास आपको पता है। ये मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हो रहा था जब ये लोग कहाँ थे, संगी कहाँ थे जब देश आज़ाद हो रहा था। ये कांग्रेस नेता उमंग सिंघार है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, ये अभी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का हमने संकल्प लिया है और उसी संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी की सदस्यता आज जो है बहाल कर दी गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश में एक तानाशाही चल रही थी और जिस प्रकार से लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन देश में आज भी जो है कानून व्यवस्था स्थापित है। कोर्ट में हम सबको विश्वास है और कोर्ट ने जो है निर्णय, सही निर्णय लिया है और जनता की आवाज को सुनने का काम उन्होंने किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।